संगीत विदुषी प्रोफेसर कमला श्रीवास्तव बहुमुखी प्रतिभा संपन्नता की अपने आप में एक मिसाल हैं। शास्त्रीय सुगम और लोक संगीत की पुरोधा, गीत और कविताएं भी लिखती हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन लखनऊ में बहुत लंबे समय तक गायन और संगीत निर्देशन किया, संगीत की बड़ी हस्तियों से इंटरव्यू भी किए। शास्त्रीय संगीत के एग्जामिनर के तौर पर श्रीलंका गई। 1974 में भातखंडे संगीत महाविद्यालय में कमला जी ने शिक्षण कार्य शुरू किया। उस समय मशहूर गजल गायिका बेगम अख्तर भी वहां संगीत सिखाने आती थी। एक तरफ प्रोफेसर कमला श्रीवास्तव से प्रशिक्षित विद्यार्थी देश विदेश में नाम कमा रहे हैं, दूसरी ओर उनकी सेवाओं के लिए 50 से अधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार भी उन्हें समय समय पर मिलते रहे, जिनमें प्रमुख है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी का लोकगीत गायन सम्मान, मैसूर का राष्ट्रीय सम्मान संस्कृत गायन सम्मान, मध्य प्रदेश भोपाल का राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान, यश भारती सम्मान, संस्कार भारती का कला सम्मान और वीरांगना सम्मान, और 2019 में मिला अवध की शान सम्मान। मन के मौसम यूट्यूब चैनल में संगीत विदुषी प्रोफेसर कमला श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे उस परिवार को जिसमें आप जैसी प्रतिभावान बेटी की परवरिश हुई। जी, नीलम चतुर्वेदी जी, मैं लखनऊ की वासी हूँ। लखनऊ में ही मेरा जन्म हुआ और मैं जन्म अपना बता दूँ, 1933 का वर्ष था तब मैं लखनऊ में जन्म हुआ जी। और बहुत ही एक संभ्रांत घराने में मेरा जन्म हुआ। यहाँ के हमारे पिताजी के डॉक्टर थे, लेकिन हमारे चाचा लखनऊ के प्रथम मेयर, प्रथम प्रमुख, प्रमुख जो होते हैं नगर प्रमुख वो थे। अच्छा, तो उनका चौराहे पर, चन्नीलाल चौराहे पर उनकी मूर्ति भी लगी है। खैर, आपने इसलिए पूछा, और हमारे बाबा भी बहुत नामी थे, उनके नाम पे सब्जियां वगैरह थी। खैर, ये सब बातें हैं, लेकिन मेरा जो परिवार था वो बहुत ही संभ्रांत, लेकिन संगीत वहाँ नहीं था, बिल्कुल ऐसा नहीं था, संगीतज्ञ कोई भी नहीं था। हालांकि मेरे वही मेयर चाचा ने कहते हैं कि भात खंडे में थोड़े दिन पढ़ा था उन्होंने, लेकिन कोई संगीतज्ञ नहीं था। संगीत पूरा मेरे अपने आप से आया जी। तो और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने 7 वर्ष की ही उम्र से जी संगीत सीखना शुरू किया। ऐसा हुआ, आपको एक वाक्य बता दें जी, कि हमारी बड़ी बहन को संगीत सहाय जी सिखाने आते थे, तो मैंने एक दिन आए वो, तो मैंने तान लगा दी। 7-8 वर्ष की रही होगी मैं उस समय, बड़ी बहन के साथ मैंने ये तान लगा दी, सुना दू। देखिए, मैंने ये तान लगा दी, ये मैंने गा दिया 7 वर्ष की उम्र में। अब तो इसी तरह गया होगा, वही स्वर तो वही है। तो हमारे टीचर ने कहा हमारे पिताजी से कि भाई आपकी बड़ी लड़की को मैं सिखाता हूँ, लेकिन आपकी छोटी बिटिया तो बहुत टैलेंटेड है, इसका गला बहुत अच्छा है। तो उस दिन से फिर मुझको भी कहा कि आप भी बैठी क्लास में, फिर मैं तब से वहां से मेरा संगीत की यात्रा शुरू हो गई जी। और मैं सीखती रही। उसके बाद मैंने हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में, 1952 में मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए किया जी। तो मेरा फर्स्ट बैच था, वहाँ के हमारे गुरु थे डॉक्टर महेश नारायण सक्सेना, डॉक्टर यूएस पूजक। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की फर्स्ट बैच में छात्रा थी और बीए में मुझे फर्स्ट क्लास मिला म्यूजिक में जी। और इसी तरह से हमारी संगीत यात्रा शुरू हो गई। अच्छा, एक थोड़ा सा आपको आपके अतीत में वापस ले जाना चाहूंगी। आपका काफी भरा पूरा परिवार था और पिताजी आपके
मतलब लड़कियों और लड़कों में बिल्कुल भी फर्क नहीं करते थे, उस बारे में कुछ बताएं। मैं 6 बहने थी और एक भाई, लेकिन हमारे पिताजी ने लड़कियों को, सब हमारे यहाँ भाई सब पीएचडी हैं, और अब जो नहीं है वो भी पीएचडी थी, और मैंने पढ़ा 2-3 पीएचडी हैं, और कोई एमएड है, कोई है, और मेरा एक भाई था और वो अब नहीं है। मैं हूँ 87 ईयर्स की मैं हूँ, लेकिन मेरे भाई से छोटा था, अब नहीं है हमारे। लेकिन पिताजी ने कभी 6 लड़कियों को बहुत शिक्षा दी, जो चाहा वो पढ़ा। स्पोर्ट्स में मैं बहुत तेज थी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बैडमिंटन चैंपियन रही हूँ और हर्डल्स में फर्स्ट आती थी, लेकिन मेरी माता जी ने ये कहा कि आप स्कर्ट पहन के नहीं काम करेंगी, तो मैं सलवार को अपनी पतली कर लेती, उसमें भी मैं फर्स्ट आई, हर्डल्स में मैं फर्स्ट आती थी, सब तो सलवार स्कर्ट पहन के करती थी खेल, लेकिन मैं ओलंपिक्स में, वॉलीबॉल में, इन सब में बहुत ठीक है। आपको एक ऑलराउंडर अवार्ड भी मिला था ना इस दौरान? जी, वो तो मैं ट्रेनिंग कॉलेज में थी, तो उस समय मैं काव्य प्रतियोगिता में फर्स्ट आई, संगीत प्रतियोगिता में फर्स्ट आई, दौड़ में फर्स्ट आई, और वाद विवाद में फर्स्ट आई, जिसमें देखो जिसमें मैं ही फर्स्ट आई, फर्स्ट आती थी, और सब तरफ बहुत अच्छा नाम था, तो इसलिए मेरी प्रिंसिपल ने ऑलराउंडर का, ये तो लड़की ऑलराउंडर है। वहीं से समझिए कि मेरा प्रथम पुरस्कार वहीं था जी, ऑलराउंडर वाला। अच्छा, एक और प्रसंग भी है कि आजादी की लड़ाई, भारत छोड़ो आंदोलन और 15 अगस्त 1947 का पहला स्वतंत्रता दिवस समारोह, इस सब में आपका बहुत सक्रिय रहा, भागीदारी रही, तो कुछ वो यादें भी साझा करें। हाँ, मैं बताती हूँ। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन होता था, तो उसमें मेरी, हमारे यहाँ बहुत सब लोग देशभक्ति थे, तो हमारी बुआ लोग, बुआ दादी दादी, ये लोग जुलूस निकालती थी, मैं 7-8-9 साल की रही होंगी, तो मैं सबसे आगे लेके झंडा करती थी, और वो गाती थी वो गाना जो है, नहीं याद नहीं आ रहा हूँ जी, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विश्व तिरंगा प्यारा, ये लेके, और भारत छोड़ो, भारत छोड़ो अंग्रेजों, भारत छोड़ो, तो हम छोटे से थे, सबसे आगे झंडा लेके हम चलते थे, मेरे पीछे बुआ दादी वगैरह, और जो सिपाही लोग थे उसमें अंग्रेज सिपाही भी थे, वो धमकाते थे, मारते नहीं थे, कहते ये तुम लोग क्यों पीछे जाओ, जैसे ये इतना मुझे याद है। लेकिन अब बड़ी गलियों से निकल के सड़क पे हम लोग चिल्लाते थे, वो बहुत, और वो 15 अगस्त 1947 के दिन जब बहुत बारिश हो रही थी, 47 में मैं इलाहाबाद में थी, मैं वहाँ पर द्वारका प्रसाद एक स्कूल है, वहाँ मैं पढ़ती थी 9th क्लास में, मैंने 48 में हाई स्कूल पास किया था जी। तो 47 में हम लोग गाइड में भी रखे जाते थे, गाइड होता था वहाँ, तो हम लोग तमाम लड़कियों को 8th क्लास से लेके 8th, 9th, 10th, 11th, ये इतनी क्लास की लड़कियों को झुंड बनाकर हम लोगों को उसमें शामिल किया। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं पहली स्वतंत्रता दिवस की उसमें मैं अपनी ड्रेस में लेके मार्च पास करती हुई चली हूँ झंडारोहण के उसमें। और बारिश हो रही थी जी, बारिश भी हो रही थी, आप बता रही थी। बारिश हो रही थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन उसको किसी की परवाह नहीं, ऐसा बारिश थी। अभी अभी तक बताया 1947 और इलाहाबाद, लेकिन बहुत आनंद आया था कि इतने देश की आजादी, और जब झंडा फहराया गया उस समय हम लोगों से खूब नारे लगवाए, हम लोगों को गाने आते थे, गाइड वाले वो गाते हुए जा रहे थे। अच्छा दीदी, ये संगीत सीखने के क्रम में लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत आपके जीवन में हमेशा साथ साथ चले। हाँ, उसका कारण ये था कि मैं जब हम लोग छोटे थे तो हमारे यहाँ, जैसे हम तो बड़े ही थे, उसके बाद हमारी बहनें, हम 2 नंबर पे थे, उसके बाद जब बहनें हमारी होती थी तो हमने ये देखा, माँ ये नहीं करती थी कि लड़का हुआ तो ही गौनहरियाँ आए, हमारे यहाँ सब गौनहरियाँ, आप समझती है ना गौनहरियाँ, ढोलक लेके आती थी, शुभ अवसर पर गाने गाने आती थी जी, उसके अलावा भी जन्म हो ना हो, त्योहारों पर
कई त्योहारों पर हमारे यहाँ बोनाटियां ढोलक लिए चली आ रही हैं और बहुत उनको मान्यता देती थी मेरी माँ. मेरी माँ रामायण गा लेती थी, बस उन्हीं से मुझे ज्ञान मिला. सही नहीं था लेकिन रामायण बड़ा अच्छा गाती थी मेरी माँ. तो वो लोग गाती थी अवधि में गाने. और ये और एक बात और आपको इसी बीच में बता दूं कि मैं माँ के साथ अवधि बोलती थी. मुझे अवधि तो विरासत में मिली है. अच्छा. मैं माँ से ये नहीं कहूंगी माँ खाने चलो. अम्मा खाने चलती हो कि ना? अम्मा आओ हमने भूख लगी. अम्मा चलो ना. अम्मा हम बाजार चल रहे. अम्मा ऐसे मतलब अवधि अवधि बोलते थे. अम्मा अम्मा के साथ में अवधि बोलते थे और सबके साथ खड़ी बोली. तो इतना बढ़िया वो लोग गाती थी. तो एक बार गा रही थी तो नाना नाना ना ऐसे किया तो माँ ने मुझे डांटा कि नहीं इनका गाना सुनो समझो बैठ के गाओ. तो तब से मैं लोक संगीत की ऊपर भी मेरी रुचि थी. बड़ा अच्छा अच्छा गाती और फिर बाद में तो मैंने लोक संगीत सीखा है. आपको मैं बाद में बताऊंगी आपको किससे सीखा मैंने पंडित राधावल्लभ चतुर्वेदी. कौन थे बताइए आप बताइए. आपके गुरु थे और आपने 1962 में उनसे संगीत सीखा था. आपके कौन थे? मेरे तो पिताजी थे. हाँ तो आपके पिताजी से मैंने विधिवत सीखा यहाँ पे. जब बहुत बाद में आके 1964 में जब मैं 62 में आ गई उसके पहले की मेरी हिस्ट्री बहुत है अभी. जी हाँ जी. और पूछिए कुछ. हाँ ये संगीत में आपके शास्त्रीय संगीत में और कौन गुरु रहे हैं ये पूछना चाह रहे थे. जी ऐसा हुआ फिर मैं हाई स्कूल इंटर बीए में मेरे गुरु थे डॉक्टर महेश नारायण सक्सेना यूएस कोचक उस समय के पास. और मैंने वहाँ संगीत प्रभाकर में भी संगीत प्रवीण का प्रथम वर्ष किया था. तो वहाँ एनएल गुणे जी थे और बहुत से मतलब वहाँ सीखा. फिर मैं 1962 में मैं आर्य कन्या इंटर कॉलेज मिर्जापुर में भूगोल और संगीत पढ़ाती थी इंटर क्लासेस को. 1954 से मैं वहाँ मैंने वहाँ सर्विस की. मेरी राइटिंग बैठते थी है. मैंने 1954 से आर्य कन्या इंटर कॉलेज में नौकरी की. तो वहाँ मैं मेरा बड़ा मान था कि मैं इंटरमीडिएट के 3 सब्जेक्ट लेती थी. अच्छा. संगीत प्रभाकर थी ही उस समय संगीत प्रभाकर कर लिया था. और ज्योग्राफी में एमएससी तो ज्योग्राफी लेती थी. और मैं बॉम्बे आर्ट एक होता आईजी बॉम्बे आर्ट वो भी मैंने कर लिया था 50 दशक में. तो मैं इंटरमीडिएट की आर्ट भी लेती थी. इसलिए बड़ा मान होता था. सब लोग कहते थे 150 तनख्वाह थी तो कहते थे अरे 3-3 तनख्वाहों की चीज ये एक तनख्वाह में पड़ा थी. उसके बाद थोड़े दिन में लोग आते गए और भी लगते गए लेकिन मैंने पढ़ाया है कुछ तीनों चीजें. तो बड़ा गर्व मुझे होता था कि अरे वाह मेरे पिताजी ने इतना मुझे पढ़ा दिया. और इसके बाद 1962 में मेरा ब्याह हो गया. फिर जब ब्याह हुआ तो मैं लखनऊ आ गई. मिर्जापुर की रहती थी. मेरे पिताजी तमाम ट्रांसफर होता था. तो मैं एक बात और बता दूं मैं भोजपुरी भी जानती हूँ क्योंकि मेरे पिताजी गोरखपुर बलिया गोंडा आजमगढ़ इन सब जगहों पे ट्रांसफर होता था. तो मैं छोटी थी तो अपने जो वहाँ काम करने वाले आती थी उनके साथ में भोजपुरी भी थी. तो मुझे अब भी भोजपुरी दोनों पे काफी अधिकार है और दोनों में मैं कविताएं भी देखती हूँ. जी. तो मैं आपको बता रही थी 1962 में मैं आ गई लखनऊ और मेरा ब्याह यहाँ हो गया. वो भी एक राजघराने में सनीले के राजा का प्रसाद जी के यहाँ. यहाँ पर हमारे ससुर से जस्ट रिटायर हमारे हस्बैंड एडवोकेट के बहुत अब नहीं है वो भी आदमी खड़े एडवोकेट बहुत बड़े वकील से. तो मैं जब यहाँ आ गई तो हमारे ससुराल में बहुत ज्यादा म्यूजिक का वो नहीं था. फिर भी मैं उन्होंने हमारे ससुर जी ने भातखंडी गान करने की इजाजत दे दी थी. तो मैंने सारा अपना म्यूजिक फिर 1962 मैंने यहाँ निपुण किया पढ़ा. 1962 से 1972 तक मैंने भातखंडी संगीत विद्यालय में सीखा. और इतना टाइम इसलिए लगा कि बीच में मेरा शिशु आ गया. एक ही शिशु है मेरा एक ही बच्चा है. एक समय तो बहुत बड़ा है. तो इसलिए मेरा 2-3 साल गैप हो गया. तो मैं अपने भातखंडे के गुरुओं के भी नाम लेना चाहूंगी. वहाँ के गुरु थे
श्री प्रोफेसर दाऊदी गोस्वामी, श्री वी एम लेले, पंडित हरिशंकर मिश्रा, और उच्च शिक्षा जो ली मैंने वो प्रोफेसर गोविंद नारायण नाटू से। लेकिन मैं शास्त्र की भी थी, इसलिए शास्त्र मैंने सीखा पद्मभूषण डॉक्टर एस एन रतन शंकर जी से और डॉक्टर अवस्थी जी, सुरेन शंकर अवस्थी जी प्रिंसिपल थे उस समय। और मैं ये भी बता दूं कि मैं पब्लिक सर्विस कमीशन से पहले मैं प्रवक्ता के तौर पर आई 72 में, जैसा आपने बताया उस समय बेगम अख्तर जी भी थोड़े दिन के लिए पढ़ाती थी, तो मुझे बड़ा गर्व होता था कि मैं उनकी कुलीग हूँ। और थोड़े दिन ये पढ़ा पाई तो चली गई वो, भगवान क्या। तो मैं इसलिए क्योंकि मैं पब्लिक सर्विस कमीशन से 80s में चुन के आई असिस्टेंट प्रोफेसर म्यूजिकोलॉजी कम प्रैक्टिकल, यानी संगीत शास्त्र एवं व्यवहार। और उसके बाद 1991 में मैं अवकाश प्राप्त हो गई। लेकिन उसके बाद फिर मैं विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर मैंने बहुत साल तक काम किया, कई लोग ऐसे थे, इसलिए हम प्रोफेसर कहलाते हैं क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के पद से रिटायर हुई, फिर विजिटिंग प्रोफेसर पे काम किया, इसलिए मुझको लोक संगीत विदुषी प्रोफेसर कमला श्रीवास्तव जी इस नाम से मैं जानी जाती हूँ। तो ये एक बात और आती है कि बीच में आपने कुछ दिन के लिए यहाँ बातकंडे में काम शुरू करने के पहले बाल भारती में भी आपने कुछ साल पढ़ाया था। हाँ जी, मैं बाल भारती में प्रिंसिपल थी। देखिए मैं भूल गई थी, आपको याद आ गया जी। वहाँ जबकि मैंने सन 62 से लेके और सन 74 तक तो मैं घर में रही घूंघट काढ़ के। लेकिन इसी बीच में बाल भारती से कॉल आई तो हमारे हस्बैंड ने कहा टिकट कर लो। हमारे ससुर ज्यादा पसंद नहीं करते थे, नौकरी हमें करने नहीं देते थे, लेकिन बाद में फिर हो गया, कहते थे राजघराने में कोई नौकरी नहीं करता। वहाँ पर आपने शोध भी किया? हाँ, वहाँ पर मैंने शिष्य शिक्षा में संगीत का योग उसमें शोध भी किया, वो बहुत अच्छा शोध रहा, बहुत अच्छा जी। तो प्रिंसिपल थी मैं 2 साल। कमला जी, आप संगीत के लिए आजीवन सक्रिय रहीं और उसी के साथ में आपको एक तो आपने संस्कृत में भी गायन किया है, दूसरा आपको लिखने पढ़ने का बहुत शौक है, और एक बात और थी कि सामाजिक जागरूकता के जो बीज आपके बचपन में थे आपके अंदर, वैसे ही आज भी सक्रिय है। आपने बेटियों के लिए सोहर लिखा और प्रोड्यूस किया, तो कुछ ना कुछ नया आप करती रहती हैं बराबर। ऐसा है कि मेरी कुछ आदत थी जी कि मैं कुछ ना कुछ करती रहूं हर क्षेत्र में मेरा, कि बहुत से तो कई बार लोग कहने लगे, एक कहावत है जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, किसी ने कहा तो सुनिए तो उसकी भी किस्सा। उसके बाद मेरी एक सहेली थी, वो बहुत नाराज हो गई, कहनी आप कमला जी को तो ऐसा नहीं कह सकती है, इज मास्टर ऑफ ऑल और लर्नर कहने है। तो ऐसी ऐसी बातें भी है क्योंकि हर चीज में मुझे, देखिए कविता मैं लिखती हूँ, प्रशिक्षण मैंने लिया पूरे भातखंडे कॉलेज से, पूरे इंडिया में मैं जाती थी, मैं एज ए दल का दल जाता था, गोवा, मद्रास, राजस्थान, कलकत्ता, ग्वालियर, और एक बात बीच में और बताऊं, मैं संस्कार भारती की आजकल आवत प्रांत की संरक्षक हूँ, और इतने अच्छे इंसान योगी योगेंद्र जी, बाबा योगेंद्र जी, उनके साथ मुझे बहुत काम, मैंने इतना काम किया संस्कार भारती में अपनी यंग लाइफ में, अब तो मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जो लोग तब के हैं तब जानते हैं, जयप्रकाश सिन्हा जी वगैरह थे उस समय, वो करते थे, आज भी हैं। और मैंने इतना संस्कार भारती में कार्यशालाएं, काम, जहाँ जाना हो वहाँ, मैसूर, ग्वालियर, और बेंगलोर, कहीं जहाँ बहुत जगह मैं गई भी हूँ संस्कार भारती के लिए। ग्वालियर में मुझे संस्कार भारती का वीरांगना संस्कार भी मिला जी। तो इस तरह से मैंने जो भी जो मुझे मिलता था वो मैं खारिज करती थी, इसीलिए मुझे ऑलराउंडर का भी मिला,
जी, आप संगीत के लिए जैसे कि मैंने पहले कहा आजीवन सक्रिय रही, तो आज नई पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, नई पीढ़ी हमारे तो जो विद्यार्थी हैं सैकड़ों हैं, बल्कि हजार से तो ऊपर हैं, और सब मुझे मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि मैं सबको एक सी दृष्टि से सिखाती हूँ, किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, और जो कुछ मेरे पास है मैं उन्हें उड़ेल देना चाहती हूँ। तो लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं कि मैं जल्दी से सीख लूँ और मंच के ऊपर बैठ जाऊं। संगीत, शास्त्रीय संगीत, मैंने तो आकाशवाणी से शास्त्रीय संगीत गाया, सुगम संगीत गाया, लोक संगीत अभी तक गा रही हूँ, शास्त्रीय संगीत अब नहीं गाती हूँ क्योंकि उसके लिए रियाज बहुत चाहिए। अभी मेरा दूरदर्शन में इसी महीने प्रोग्राम हुआ और दिसंबर 19 को आकाशवाणी से मैंने अपने गाने प्रसारित किए, तो अभी भी मैं गाती हूँ, आज भी मैं गा रही हूँ, गाती रहती हूँ। लेकिन बच्चों को ये मैं कहना चाहती हूँ कि तुम लोग रियाज करो और समझो, जो चीज हो उसको नहीं आती तो उसको पूछ लो। लोक संगीत में भी लोग बहुत गड़बड़ करते हैं, धुनी बिगाड़ देते हैं, और कुछ का कुछ, कजरी को कुछ कह दिया, किसी को कुछ कह दिया, तो जो चीज नहीं आती है उसको अपने गुरुओं से या जानकार लोगों से पूछ कर तब उसमें आगे बढ़ो। और जिसके पास टैलेंट है वो छुप तो सकता नहीं है, वो आगे आएगा ही, लेकिन धैर्य से, धैर्य रखना बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से। बहुत सही बात आपने कही, मैंने रखा तभी मैं यहाँ तक पहुँचा, बहुत धैर्य। जिंदगी के नवे दशक में भी कमला जी आप में 9 साल की बच्ची जैसी सक्रियता और सपने देखने की ललक बनी हुई है, तभी आप ऐसे संदेश भी आपने जो अभी दिया वो तभी दे सकती है जबकि आप उनके अंदर प्रवेश करके एक बच्चे को जैसे आगे बढ़ना चाहिए उस तरह की आपके अंदर मंशा है कि जो सीख रहा है वो पूरी लगन से सीखे। तो आप ऐसे ही सक्रिय रहें, यही शुभकामना है, स्वस्थ रहे और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद जो आपने मुझसे इतना पूछा, बहुत बहुत धन्यवाद।